सर, एक न्यूज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि परमिशन आपकी तरफ से परमिशन दिया गया है मार्केट और वेजिटेबल सुपरमार्केट का जो है वो खोलने के लिए, तो ये कहाँ तक सच है सर? परमिशन मतलब ये आप 29th को खोलना जो एक न्यूज़ फ्लैश हुआ था? नहीं, वो गलत था। जो भी न्यूज़ में मैंने उसमें पढ़ा कि 29th को 10 बजे 4 बजे तक खुलेगा वगैरह, कॉरपोरेशन से ऐसा कोई भी परमिशन ऑफिशियली नहीं दिया गया था जी। और उसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन दिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसमें पुलिस आता है, डीसी सर आता है, कॉरपोरेशन आता है, तीनों में से किसी ने भी कोई भी फॉर्मल परमिशन नहीं दिया था। तो उस टाइम बागबान कमेटी की तरफ से किसी ने भी आपसे मीटिंग नहीं की और आपने ऑर्डर पास नहीं किया? नहीं, मीटिंग की बात देखिए कैसे है, 27th को हम, मैं और डीसीपी सर इधर गए थे देखने के लिए सुपरमार्केट किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे हो सकता है, कितनी जगह है, कितने दुकान हैं। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मतलब एक दिन एक साइड की दुकानें खुलेंगे बस, किराना दुकान 3 दिन के लिए खुलेंगे सिर्फ वगैरह, तो वो देखने के लिए गए थे हम। ऐसे कोई किसी को कोई भी डेट या टाइम या कोई भी स्पेसिफिसिटीज़ कोई भी बताए नहीं गए थे सर। ये स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि 3 मंथ से वेजिटेबल वेंडर्स परेशान हैं, उन्हें खोलने नहीं दिया जा रहा, तो आपका इसमें क्या क्लेरिफिकेशन है? क्योंकि लॉकडाउन तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो वो लोग बता रहे हैं कि ये लोग परेशान हैं, और एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या डिसीजन है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिसीजन लेता है लॉकडाउन पे, वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे डिपेंड करता है जी। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सीधी सी बात है कि जो भी ऐसा एरिया है छोटा सा जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, वहाँ पे दुकान खोलने की परमिशन देना लॉजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो छोटी जगह पे तो खैर ओपन करना शॉप्स वगैरह, उससे सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत होती है, और ये काफ़ी यू नो इन्फ्लेमेबल इशू था 1-2 महीने पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर ना हो तो कोरोना फैल सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मोमिनपुर एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे केसेस भी उस समय आए थे। तो देखिए, लॉकडाउन ये एक पूरे देश भर में एक इम्प्लीमेंटेड फैक्टर था, ये कोई किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर शहर में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये सब जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये मैं समझता हूँ पहले से ही आई वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनके रेगुलर मार्केट जो है वो बंद कर दिया। अब वो मार्केट बंद करने के रीज़न तो काफ़ी ऑब्वियस थे कि छोटी सी जगह थी वो, लेकिन साथ में ही हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये ऑप्शन ओपन रखा था कि जो भी अपनी बंडीज लेके या अपने टमटम गाड़ी वगैरह जो भी होता है वो लेके अगर शहर के अंदर कहीं भी डोर टू डोर सर्विस देने के लिए या कहीं एक जगह पे जाके अगर बिजनेस करना चाहे वो जहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, तो उसके लिए हमने पूरी तरह से उनको ये छूट दे रखी थी, परमिशन दे रखी थी। इनफैक्ट कॉरपोरेशन से आपको पता भी होगा कि मैंने खुद एक पेपर स्टेटमेंट दिया था कि आप हमारे पास आए, हम जिनके पास टमटम है वो हमारे पास अगर रजिस्टर करेंगे तो उनका नंबर हम पब्लिश करा देंगे, लोग फ़ोन करके खुद मंगवा लेंगे अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए वो। तो ये ऑप्शन ओपन था, ऐसे नहीं है कि हमने उनको बस ऐसे बोल दिया कि आप बिजनेस नहीं करें, ये ऑप्शन ओपन था। ऑलराइट, अब कितने लोगों ने ये ऑप्शन अपनाया वगैरह, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कल जो मार्केट ओपन हुआ सर और जो हंगामा हुआ, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी यानी मार्केट ओपन होने वाला है? देखिए, हुआ क्या था कि एक फेक न्यूज़ फैली थी जी। मेरे ख्याल से परसों रात को 11:30-12 बजे के आसपास मुझे पता चला। अब मैंने ये करना बेहतर समझा कि सुबह तक वेट करके एक बार हमारे सीनियर ऑफिसर से बात कर लेते कि किसी ने ऐसा कुछ भी कहा है या परमिशन ग्रांट की है, जैसा होता नहीं है जनरली, हम सब मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। लेकिन फिर सुबह जब मुझे पता चला तो किसी ने परमिशन दी नहीं थी, तो ये तो खैर क्लियर हो गया कि ये एक गलत न्यूज़ थी। अब उसके बाद अब होता क्या है, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि कोई न्यूज़ आती है लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अचानक से जब ऐसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो लोग थोड़ा एजिटेट हो जाते हैं। तो उससे थोड़ी बहुत भीड़ शाम को हो गई थी वहाँ पर। अब पुलिस ने वहाँ पर फिर एक्शन लेके भीड़ वहाँ पर डिस्पर्स करा दी जल्दी से, तो कोई बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई नहीं वहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या डिस्कशन है सर ये सुपरमार्केट जो है वेजिटेबल वेंडर्स को खुलवाने का? कल वहाँ पर MLA मैडम भी गए थे और काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी गए थे,
मगर वहाँ पर जो हुआ सारे गुलबर्गा ने देखा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जहाँ तक क्या स्टेप लिया जाएगा? स्टेप देखिए मुद्दा क्या है ना, जैसे मैंने कहा हमारे सारे डिसीजन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो अभी ये तो क्लियर है कि इस वीकेंड तक, मतलब 31st तक लॉकडाउन है। खैर ऑन द अदर साइड ये भी सही है कि वेजिटेबल एक एसेंशियल कमोडिटी है, तो अब वहाँ पे मैं और DCP सर हम कॉन्स्टेंटली वहाँ पे वी आर कीपिंग आर ऑब्जर्वेशन। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन हो रहा है, लोग बहुत डिस्टेंस से दुकानें खुल रहे हैं, काफ़ी सारी जगह वहाँ पे मेंटेन हो रही है, मार्किंग किया हुआ है, तो सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। इसकी वजह से अगर नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि हम वो जाके जानबूझ करके बंद कराएंगे। गवर्नमेंट हमेशा से वी आर सिंपथेटिक विद द पुअर और जिनका इस लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, और हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जिससे जानबूझ करके किसी भी आदमी के बिजनेस को कुछ भी प्रॉब्लम हो। जी, तो सिटी में लॉकडाउन को चेंजेस करने के लिए आपको ये कब डिसीजन लेने वाले सर, यानी कुछ चेंजेस आने वाले? वही मैं कह रहा हूँ ना कि गाइडलाइंस आएंगी, दो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आएंगी, DC सर मीटिंग करेंगे, सारे हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी है, पुलिस कमिश्नर साहब है, कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब मिल करके वी विल डिसाइड अपॉन। वेजिटेबल वेंडर्स के इशू में कभी आपसे MLA कनीस फातिमा ने बात की थी और DC साहब आप सब कुछ डिस्कशन किए सर इसके बाद बिफोर? पहले बात की थी, हाँ, मतलब उन्होंने काफ़ी बार मुझे बोला था कि आप मार्केट खुलवाइए या कुछ कोशिश कीजिए कि कुछ हो सकता है वगैरह, लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं पाए, मतलब इट वाज अ कोर पीरियड फॉर कोरोना इन्फेक्शन, तो उस समय मैंने उस समय उनको ये भी बताया कि ये ऑप्शन ओपन है कि लोग वो जगह छोड़ के कहीं और जगह अगर बिजनेस करें जहाँ पे भीड़ नहीं हो रही है तो दैट इज़ पॉसिबल। तो सर एट द एंड गुलबर्गा की पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस से काफ़ी सारे पेशेंट्स कल बढ़े हैं, तो आपकी क्या अपील है गुलबर्गा की पब्लिक से? अपील मैं यही करूंगा कि अगेन लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपको घर पे रहना है, आप घर पे रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, और जितना ज़्यादा कोऑपरेशन मिलेगा पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉर्पोरेशन को, लोगों से, उतना इफेक्टिवली हम ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उतना जल्दी हम ये इन्फेक्शन जो है वो कम कर पाएंगे सिटी में, और जितनी जल्दी इन्फेक्शन कम होगा, केसेस कम होंगे, उतनी जल्दी हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे। एक बार हम ग्रीन जोन में आने के बाद फिर रिस्ट्रिक्शन कोई रहेगा नहीं, तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन से स्टेप्स से हम गुजर रहे हैं अभी, है ना।